हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम। फ्रेंड, आज हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि कुल 1000 प्रश्न होंगे और इसे पार्ट वाइज हम लोग पूरा करेंगे। तो फ्रेंड, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट वन होगा और इसके बाद क्रमशः और भी पार्ट आएंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 किग्रा सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है, यानी 1 किग्रा सेमी स्क्वायर दाब किसके बराबर है। तो जी हाँ फ्रेंड, ये होता है 0.1 bar के, ये होता है फ्रेंड 0.1 bar के। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर, किसी पिंड का भार यानी कहाँ ज़्यादा होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो फ्रेंड क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, तो किस स्थिति में कम होता है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी फिजिक्स का, उसमें मैंने बताया था कि जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो किसी पिंड का जो है वास्तविक भार हमेशा घट जाता है, और जब पिंड ऊपर जाती है, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर जाता है तो उसका भार जो है हमेशा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो फ्रेंड, वास्तविक भार से कम कब होगा, जब वह त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही हो। इस स्थिति में जो है व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार से कम मालूम पड़ेगा। इसमें 3 पॉइंट है फ्रेंड, हम लोग तेज़ी से उन तीनों पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भार कम कब मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो। दूसरा है, भार ज़्यादा कब मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। और तीसरा है कि भार शून्य कब प्रतीत होगा, जबकि त्वरण शून्य हो जाएगा और त्वरण जो है वो ग्रेविटेशनल त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है हमें भार शून्य मालूम पड़ेगा। ऐसा तब होता है फ्रेंड जब लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस स्थिति में जो है मनुष्य का या व्यक्ति का भार जो है क्या हो जाएगा, शून्य प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जहाँ पर भी कुछ फैक्ट्स बताने के होंगे फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं फैक्ट्स बताता जाऊँगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऊँचाई भू स्थिर उपग्रहों की है। तो फ्रेंड याद रखना है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊँचाई होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो फ्रेंड आर्कमिडीज ग्रीस से संबंधित थे। किस देश से थे, ग्रीस से संबंधित थे। आप लोगों ने आर्कमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, जी हाँ उसी आर्कमिडीज की बात हो रही है, ये ग्रीस के थे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। तो फ्रेंड एक फोर्स काम करता है यहाँ पर, आसंजक बल। ये आसंजक बल जो है तैलीय पृष्ठों पर पानी की बूंदों को चिपकने नहीं देता है। ये जो है विकर्षण बल लगाता है, विकर्षण बल लगने के कारण जो है पानी की बूंद तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकती है। तो इस बल का नाम क्या है, आसंजक बल। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, यानी कि पृथ्वी के किस दिशा में। तो जितने भी तुल्यकारी उपग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं फ्रेंड, पश्चिम से पूर्व की ओर जितने भी तुल्यकारी उपग्रह हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड याद रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और परीक्षा में इन प्रश्नों के आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो फ्रेंड आप इसे याद रखिए और इसका जितना हो सके आप अभ्यास कीजिए। फ्रेंड पहिए में बॉल बैरिंग का कार्य है,
बॉल बैरिंग का क्या कार्य है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। देखिए फ्रेंड, होता क्या है, अगर हम मान के चलिए कि कोई बॉल बैरिंग है, उसमें क्या होता है कि घर्षण तो होता है, लेकिन एक अस्थैतिक घर्षण जो होता है उसको गतिज घर्षण में बदल दिया जाता है, जिसके कारण कि घर्षण का वैल्यू कम हो जाता है। इसमें याद रखना है हमेशा, जब कभी भी अस्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण में बदलता है तो घर्षण का जो वैल्यू है, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा पहिया जो है वो घड़कने में सफल होता है या घड़कता है। तो याद रखना है फ्रेंड, अस्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। कौन बदलता है? बॉल बियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो फ्रेंड याद रखना है कि तापमान आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे? पहले आयतन बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक झील में तैरने वाली, सॉरी फ्रेंड यहाँ इम्पात हो गया, इस्पात होना चाहिए था, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि झील में कोई नाव तैर रही है, तो वो इस्पात की नाव है, और नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार, विस्थापित पानी का भार कितना होगा, यानी कितना पानी जो है नाव विस्थापित करेगी, उसका भार बताना है। तो नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है फ्रेंड, तो उसका जो विस्थापित भार होता है वो झील के पानी की सतह के नीचे के भार के हमेशा बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। और फ्रेंड इस क्वेश्चन के बारे में मैंने कल थोड़ा सा जिक्र भी किया हुआ था कि यदि कोई तैराक पानी में तैर रहा है तो वो अगर हाथ पांव चलाता है तो उसके द्वारा विस्थापित पानी हमेशा जो है वो तैराक का जो वेट है, वजन है, उसके जो है क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो फ्रेंड उसी पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इस्पात की नाव है उसके द्वारा जो विस्थापित पानी होगा तो वो नाव का जो भाग है, नाव का जितना एरिया है नीचे वाला, वो जितना पानी उसके नीचे जितना पानी सतह के नीचे है उतना पानी ही वो विस्थापित कर सकेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें होता है गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम इसमें लागू होता है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसे विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, या कोई गति में है तो गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये गति के प्रथम नियम पर आधारित है, यानी कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? तो फ्रेंड सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क पर हम चलते हैं तो हमारे पैर और सड़क के बीच एक फ्रैक्शन लगता है, एक घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल के कारण ही हम सही से चल पाते हैं। अगर वो घर्षण बल ना लगे तो हमारे गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। और बर्फ़ पे क्या होता है फ्रेंड, बर्फ़ में चलने पे क्या होता है कि हमारे पैर और बर्फ़ के बीच में जो है फ्रैक्शन घर्षण बल जो है हमेशा कम होता है, जिसके कारण कि बर्फ़ पर जो है चलना कठिन होता है, किसकी अपेक्षा, सड़क पर चलने की अपेक्षा। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। लोलक का आवर्तकाल, तो फ्रेंड यहाँ बताना है कि वो किस पे निर्भर करता है, लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं।
लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो हम जानते हैं फ्रेंड कि जो भी इस्पात हुआ करता है, जो भी इस्पात हुआ करता है या मेटल्स हुए करते हैं, गर्मी में क्या होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसमें प्रसार होता है। तो इस प्रसार के कारण क्या होता है कि लोलक की जो लंबाई होती है, उस लोलक की लंबाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाया करती है, और यही लंबाई बढ़ने के कारण जो है क्या होता है कि गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाया करती है। तो याद रखना है फ्रेंड कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपको याद रखना है एक पॉइंट कि लोलक की लंबाई जब बढ़ती है तो इसके दोलन में लगा हुआ समय हमेशा बढ़ जाता है, और जब लोलक की लंबाई घटती है तो दोलन में लगा हुआ समय, लोलक की लंबाई जब घटती है तो दोलन में लगा हुआ समय घट जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, लंबाई बढ़ेगा तो दोलन समय बढ़ेगा, और लंबाई घटेगी तो दोलन में लगा समय हमेशा घटेगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो फ्रेंड ये हमेशा उसका आधा होता है। किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल उसका 2% बढ़ेगा। और फ्रेंड इसके साथ साथ ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की बात हो रही है, जिसमें हमें 1000 क्वेश्चन कवर करने हैं, जिसके कारण कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। जब मैं इसका क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज जब मैं कराऊंगा फिजिक्स का, इनमें से मैंने एक दो चैप्टर करा भी दिए हैं, तो उस समय मैं इसके सरल लोलक का जो फॉर्मूला वगैरह हुआ करता है तो उसे मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। तो फ्रेंड अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप इनका जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? अगर लोलक की लंबाई हम बढ़ा देंगे, चार गुनी कर देंगे लोलक की लंबाई को, तो लोलक के झूलने का समय जो है वो दोगुना हो जाएगा, यानी कि वो अब दोगुना समय लेगा। फ्रेंड याद रखिएगा, समय दोगुना होने का मतलब है कि वो अब दोगुना समय लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही था, क्वेश्चन पूछने का टाइप अलग था। आप देख सकते हैं लोलक की लंबाई 4% बढ़ाया गया, 4% बढ़ाया गया, यहाँ पर भी चार गुनी कर दी गई है, तो लोलक के झूलने का समय जो है क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, जब पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे उसकी समय अवधि हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी समय अवधि क्या होगी फ्रेंड, बढ़ जाएगी, यानी कि पेंडुलम जो है सुस्त हो जाएगी। समय अवधि बढ़ने का मतलब है कि पेंडुलम की अवधि जो है, यानी कि गति क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा बताना है फ्रेंड, तो काइनेटिक एनर्जी, आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड गतिज ऊर्जा, तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। आप जानते हैं फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पर हाफ एम, देखिए द्रव्यमान एम दिया हुआ है, एम हो गया, उसके बाद संवेग पी है, यहाँ संवेग भी नहीं दिया हुआ है, संवेग पी है, तो यहाँ पर क्या देंगे, पी, और चूंकि फॉर्मूला में v का स्क्वायर है तो यहाँ पे p का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हो जाएगा हाफ एम पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हाफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ एम पी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यहाँ पूछा जा रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, भू उपग्रह यानी एक बार, आप जानते हैं कि उपग्रह को एक बार ले जाके सिर्फ उसे कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो वो हमेशा गति करते रहता है निरंतर, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। देखिए फ्रेंड आपने पढ़ा होगा फोर्स दो तरह का होता है, एक जो कि अंदर लगता है
और एक जो कि बाहर लगता है, एक होता है अपकेंद्रीय बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो ये घूमता है ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है जो कि बाहर की ओर लगता है, जो प्राप्त होता है। अब बताना है आपको कि ये बल प्राप्त कहाँ से होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो पृथ्वी द्वारा जो है उपग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके कारण ही जो है क्या होता है कि वो भू उपग्रह निरंतर गति करते रहता है। आप जानते हैं फ्रेंड कि अगर हम भूमि पे खड़े हैं तो हमारे हमारे में जो है एक फोर्स होता है, बल होता है। वो बल कहाँ से आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है, अब याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ पर भी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर एक फोर्स लगाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है भू उपग्रह निरंतर गति करते रहता है, इसे हम अपकेंद्रीय बल भी, चूँकि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय तो डायरेक्शन के मुताबिक इसको बांटा गया है। अगर अंदर की ओर लग रहा है तो अभिकेंद्रीय, बाहर की ओर लग रहा है तो अपकेंद्रीय। पर ये जो बल है, ये जो फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, घड़ी के स्प्रिंग में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। अंतरिक्ष यान में क्या होता है कि हम भारहीन हो जाया करते हैं, अंतरिक्ष यान में भारहीन हो जाया करते हैं, हम ठीक से चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल भार जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है फ्रेंड, आपने तो वैसे पढ़ा ही है कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो कक्षा में जो त्वरण होता है वो एक्सटर्नल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके त्वरण के बराबर होता है। इसके कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष में भारहीनता का हम अनुभव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल के बारे में बताना है आपको। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल के बारे में बताना है। तो क्या होना चाहिए कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, क्रिया और प्रतिक्रिया का बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगना होना चाहिए। इसे समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक गेंद को दीवार पर फेंकिए, तो आपने क्रिया तो अपने हाथों से की, प्रतिक्रिया कहाँ से आई, प्रतिक्रिया आई उस दीवार से। तो कहने का मतलब है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं से होनी चाहिए, ये आवश्यक है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए कि दोनों वस्तु जो होनी चाहिए भिन्न भिन्न होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। आपको बताना है कि यह कौन सा नियम है। तो फ्रेंड आपने न्यूटन का तीनों नियम पढ़ा होगा। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगी। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F=ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन दोनों जो है क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, दीवार पे फेंकी गई गेंद पुनः वापस आती है, आप नदी के किनारे नाव पर से कूदते हैं तो नाव थोड़ा सा पीछे हटती है, आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो
गोली से आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम से ही संबंधित है। अभी फ्रेंड चूंकि ये सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, तो इसमें जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं वो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं भी जान रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो जल में तैरना जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ही संभव होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जल में तैर रहे हैं, इसका मतलब हमारे शरीर द्वारा पानी पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, और इसके ठीक विपरीत पानी के द्वारा भी हमारे शरीर पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। दोनों तरफ से एक फोर्स लग रहा है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जिसके कारण कि हम तैर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्यों लेट जाने की सलाह दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। इसलिए देखिए फ्रेंड, अगर वो व्यक्ति दलदल में लेट जाएगा, लेट जाने से क्या होता है कि उसके शरीर का कॉन्टेक्ट एरिया जो होता है, कॉन्टेक्ट एरिया वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो दाब है, जो प्रेशर बनेगा दलदल में, वो प्रेशर जो है कम बनेगा, जिसके कारण कि वो जो है अंदर नहीं धंसेगा। तो फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपकते हैं? क्योंकि जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक हमेशा घट जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाने से क्या तात्पर्य है, आप इन्हें याद रखिए। गलनांक घट जाने का तात्पर्य है कि उसे गलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कम चाहिए, मतलब कम ऊर्जा पर ही वो गलना शुरू कर देगा। गलनांक घटने का ये तात्पर्य है। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग, आप जानते हैं फ्रेंड कि अगर हमारा वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो वो चंद्रमा पर 60/6 यानी कि 10 kg हो जाएगा, चंद्रमा पर 10 किलो हो जाएगा। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के तुलना में चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 होता है, 1/6। तो और जानते हैं कि वेट जो है, भार जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही डिपेंड करता है। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 हो जाता है, इसलिए चंद्रमा पर जो है मनुष्य का भार भी 1/6 हो जाएगा। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तनीय होता है। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था फ्रेंड कि द्रव्यमान जो है हमेशा स्थिर रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप चंद्रमा पर चले जाते हैं तो आपके शरीर का जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा जो पृथ्वी पर था, लेकिन अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपके भार में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें याद रखने योग्य बात यह है, इसमें दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान नियत रहता है, जबकि भार अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह है। तो अभी भी बताए थे फ्रेंड, अभी भी मैंने बताया था कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता है। मैंने बताया था कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं।
कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? तो कहा जाता है कि कौन सा कथन इसे सही ठहराता है कि द्रव्य का, यानी कि द्रव्य यहाँ पे ऊर्जा से इस पर इसका तात्पर्य है फ्रेंड, हो सकता है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, यानी ऊर्जा ना ही हम बना सकते हैं ना ही ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो फ्रेंड एक बात और याद रखना है इसमें कि इसका सिर्फ परिवर्तन होता है, ऊर्जा का सिर्फ परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ये बदलता है, ना ही इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। तो ऑटोमोबाइल में जो द्रव चालित ब्रेक होता है, जो द्रव पे कार्य करता है, वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड, याद रखिएगा पास्कल के सिद्धांत पर। और फ्रेंड दाब का मात्रक क्या होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे लिखेंगे, दाब का मात्रक क्या होता है फ्रेंड, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, संवेग और वेग के अनुपात से, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे फ्रेंड, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर लेता हूँ। पी इक्वल टू एम भी, आप ये फॉर्मूला जान रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड पी, इस भी को यहाँ लाते हैं, पी बाई भी इक्वल टू एम। तो ये जो एम है वो मास है, पी मोमेंटम है, भी वेलोसिटी है। मास यानी कि द्रव्यमान, ये हो गया संवेग, और भी हो गया वेलोसिटी। तो आपको यही तो पूछा जा रहा है कि संवेग ये और वेलोसिटी भी, इसका जो रेशियो निकलेगा अनुपात वो किसके बराबर होगा? तो मास के बराबर, यानी द्रव्यमान के बराबर। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होती है, हम बताए थे कि इसका त्वरण क्या होता है? समान होता है, इसका त्वरण हमेशा समान होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आगे, दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, दो वेक्टर है जिसका मान क्या है? अलग अलग है, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, उसका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर अलग अलग वेक्टर का मान अलग अलग है तो उसका परिणामी शून्य नहीं, यह शून्य होता कब होता? जब उसका मान समान होता, यहाँ अलग नहीं होता, अगर यहाँ पे समान लिखी जाती तो उसका मान क्या हो जाता? शून्य हो जाता। ठीक है फ्रेंड, और स्केलर और वेक्टर मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उन्हें अवश्य देख लें, उसमें स्केलर वेक्टर को जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो फ्रेंड त्वरण ज्ञात करने का आपको सही सूत्र बताना है। तो आप जानते हैं फ्रेंड F बराबर क्या होता है? M गुना A। तो आपको अगर त्वरण A निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? F बाय M। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं A इक्वल टू F बाय M। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा? त्वरण निकल जाएगा, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाय मास, द्रव्यमान। तो अगर इस दोनों का रेशियो निकाला जाए तो हमेशा एक्सलरेशन निकलेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो फ्रेंड रेल की पटरी जो है अपने वक्र पे झुकी हुई होती है, इसका कारण बताना है, बिल्कुल कर्व होता है, क्यों होता है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो रेलगाड़ी के
भार के क्षैतिज घटक से। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए फ्रेंड, रेलगाड़ी जब मुड़ती है तो वो हमेशा अंदर की ओर मुड़ती है, अंदर की ओर। तो ये जो है अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पे। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अंदर की ओर लगने वाला बल होता है, और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने लगभग 35 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ही हल कर लिए। तो फ्रेंड अब हम मिलेंगे अगले, यानी कि अगले वीडियो में, और फिजिक्स का ही टॉपिक रहेगा। और ये चूँकि पार्ट वन मैंने आपको कराया, इसका पार्ट टू पार्ट थर्ड आएगा। इस तरह से जो है उसमें प्रश्नों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। पार्ट वन में मैंने 35 क्वेश्चन किए, हो सकता है पार्ट टू में 50 क्वेश्चन का करूं, तो इसमें प्रश्नों की संख्या अलग रहेगी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको सभी क्वेश्चन दिखाई देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आप हमारी अपकमिंग वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और फ्रेंड मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, उठिए जागिए और लक्ष्य की ओर भागिए, तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे झक मारते हुए आएगी। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि इस पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नों का संग्रह जो है मैं लेके आता हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आता हूँ, और अपने ग्रुप्स में आप शेयर करना भी ना भूलें। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव है आपके पास हमारे लिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपना बहुकीमती सुझाव अवश्य दें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद, जय भारत।